अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में हम करने लगे हैं अभी ब्रेकफास्ट। जो मैंने रात में सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो अभी हमने पराठों के साथ ली है, और ये शक्कर वाला दूध। तो हम दोनों नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, और मेरा बेटा जा चुका है स्कूल के लिए। कभी कभी मैं उसकी वीडियो शूट कर पाती हूँ, और ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ। सुबह में बहुत जल्दी जल्दी में होता है उसका स्कूल जाना। तो अभी हमारा नाश्ता हो चुका था कंप्लीट, अब सीधा ही मैंने शाम में वीडियो शूट की थी। उसके बाद में बीच में या कुकिंग की मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो हम गए थे मिक्सी का जार ठीक कराने के लिए। मिक्सर मेरा ख़राब हो गया था, और दो पैन थे मेरे पास जो कि उनके हैंडल टूट गए थे, तो उनके हैंडल भी लगवाने थे। इसके अलावा मैंने अपने बेटे के लिए स्कूल बैग भी लिया था, और हमने शूज़ भी लिए थे जो कि उसको नीड थी। उसके शूज़ थोड़े बेकार हो गए थे, तो शूज़ वगैरह लिए थे, स्कूल बैग लिया था। और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने लिए थे बर्गर, जो कि सामने काफ़ी अच्छे बर्गर यहाँ पर मिल रहे थे, ये देखें। और काफ़ी देर हो गई थी हमें, अपने बेटे के लिए हमने सामान लेना था। मैं इन्हें बता रही थी कि किस पैन में कौन सा हैंडल लगाना है। और यहाँ पर देखें, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी मस्जिद थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो अक्सर यहाँ पर आते हैं नमाज के लिए जब वो साइड पर होते हैं, तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हमारे घर से तो काफ़ी ज़्यादा दूर थी ये मस्जिद। और ये था मेरे बेटे का न्यू स्कूल बैग, जो कि हमने कल ही बाय किया है, और मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे हैं मेरे बेटे, और वो उसको छोड़ने जा रहे हैं। वैन उसकी आने वाली थी, तो उसको वहाँ पर छोड़ने जा रहे थे। और ये थे इसके न्यू शूज़ जो हम कल ख़रीद के लाए थे, तो वो खुद से ही आराम से पहन लेता है। शूज़ थे जो कि इसमें मेरे हस्बैंड भी लेकर आए थे, ये ब्लू वाले शूज़। और मेरे लिए जो ये बैली या शूज़, जो भी आप सैंडल वगैरह कह सकते हैं, वो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपनी पसंद से। और बाकी रेड एंड ब्लैक हस्बैंड के साइज़ के शूज़ हैं बड़े वाले, वो मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये मेरे रेड वाले जो दूसरे हैं, थोड़ा डार्क कलर है मरून, तो वो मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। और एक वाइट शूज़ थे जो स्कूल शूज़ थे। और उसके बाद शाम हो गया था, तो हम आए थे डी मार्ट, घर का कुछ राशन लेना था, ग्रोसरी आइटम, तो वो ही लेने आए थे हम। और घर का राशन ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। और ये था सॉफ्ट टॉय सेक्शन था ये बच्चों का, और यहाँ पर ये फ्लावर्स थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। उसके बाद में हम आ गए थे मेरे ऑल टाइम फेवरेट क्रॉकरी आइटम्स की तरफ, जो कि एक सेक्शन अलग है इसका भी। बट इस बार मुझे यहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी थी, बट मैं यहाँ इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, ये कुछ रैकेट थे, हैंड फ्री थी, हेडफोन्स थे, चार्जर्स थे, और मिक्सर थी, राइस कुकर थे, कॉफी लाइट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक केटल थी, आयरन थी, टोस्टर थे, काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर थे। एक सेक्शन ये आता है जिधर प्लेट्स थी, और ये कुछ जार्स थे, कुछ कंटेनर थे, ये देखें स्क्वायर शेप में थे, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये कप्स थे 99 रुपीज़ से, 6 पीसीज यहाँ पर स्टार्टिंग थे कप्स के। और ये सारे ग्लास हैं 6 पीसीज 229 में। और उसके बाद में ये कुछ डेकोरेटिव पीसीज थे जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं रिजनेबल प्राइस पर। और उसके बाद में ये एक सेक्शन आता है मेरे बेटे का फेवरेट, जहाँ की टॉय सेक्शन था, ये देखें। और कुछ सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए शीट्स थी, और ये देखें काफ़ी अच्छे टॉय का यहाँ पर कलेक्शन है। और सॉफ्ट टॉय यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यारे थे, ये देखें कितने ज़्यादा प्यारे थे। और एक सेक्शन इसके जस्ट सामने है जो कि टॉवेल और
कारपेट्स, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, योगा मैट, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। कर्टन्स भी थे, ये देखें टॉवल थे काफ़ी सारा, एक सेक्शन पूरा टॉवल्स का था यहाँ पर, हर साइज़ के टॉवल्स थे, कारपेट्स थी और योगा मैट थे जो कि क्वालिटी ओके ओके थी, ज़्यादा अच्छे योगा मैट यहाँ पर नहीं थे। और ये एक मैट थी पिंक कलर की जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और अब हम आ गए हैं मेरी मोस्ट फेवरेट जगह पर, जो कि जहाँ पर भी क्रॉकरी है वही मेरी फेवरेट जगह है, ज़्यादातर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रॉकरी। तो ये छोटी और बड़े साइज़ की हर तरह की कढ़ाई यहाँ पर थी और ये छोटू सा बोल था, उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट थी, बट ये सेट था। और ये फ्लावर्स थे जो कि मैंने इनके रेट नहीं देखे थे, प्राइस मैंने ध्यान नहीं दिया था और बाद में मुझे समझ आया था कि लेना था। और अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। उसके बाद में ये एक सेक्शन था फर्स्ट फ्लोर पर, ये सेक्शन है एक बच्चों का, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए आसानी से मिल जाती हैं, पाउडर, क्रीम्स, शॉवर जेल, हिमालय के, जॉनसन्स बेबी के और मैमी पोको पैंट, काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पर थी। ये देखें मैमी पोको पैंट पे एमआरपी था 185, वेट वाइप्स थे ये बच्चों के लिए और बाय वन गेट वन का इस पे ऑफर था। शॉपिंग हो गई थी हमारी कंप्लीट, उसके बाद में हमें कराना था बिल, तो हम आ गए थे काउंटर पे, बट यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ काउंटर तो क्लोज भी हो चुके थे। और उसके बाद में हम आने लगे थे घर। अगर ये भी आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। When... Oh.